फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ होती है, प्लांट में ये किस जगह होती है। यू वुड ऑफ कोर्स योर आंसर इन द ग्रीन लीफ और यू में एड इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था उसके आधार पर आप आंसर दे सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो ग्रीन लीफ में होती है या फिर ग्रीन लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर होती है। यू आर डेफिनेटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बट इट डज सो आल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स में होती है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, लेकिन इन ग्रीन लीव्स के अलावा कुछ और प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सकती है। कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में आकर। You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have large number of chloroplast. आप ये जानते होंगे, आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा होगा कि जो लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीव्स की मेसोफिल सेल में, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देन सेल अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये मेसोफिल सेल की वॉल के अलोंग पाए जाते हैं। सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये वॉल के अलोंग इसलिए पाए जाएंगे कि जो सनलाइट आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये रिसीव कर सकें। मान लीजिए ये मेसोफिल सेल है तो जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे वो इसकी वॉल के अलोंग पाए जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट सनलाइट आएगी वो डायरेक्ट सबसे पहले मेसोफिल सेल की वॉल पर पड़ेगी। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर सकें इसलिए वॉल के अलोंग ये पाए जाते हैं। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। Within the chloroplast there is the membranous system consisting of grana, the stroma lamella and the fluid stroma। और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ी होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है और मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेना पाए जाते हैं, स्ट्रोमा लैमिला पाई जाती है और फ्लूइड स्ट्रोमा पाया जाता है। देर इज़ ए क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेबर का एक क्लियर डिवीज़न होता है। कहने का मतलब है ग्रेना अपना फंक्शन करेगा, इसका अलग काम है, स्ट्रोमा लेबेला का अलग काम है और फ्लूइड स्ट्रोमा का अलग काम है। तो लेबर का जो डिवीज़न इसमें कर दिया गया है। The membranous system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। और जो क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो लाइट एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी मेम्ब्रेन सिस्टम सनलाइट को ट्रैप करेगा और ATP और NADPH का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों एनर्जी के टाइप हैं। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। और स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो प्लांट के अंदर CO2 को इकट्ठा कर देती हैं जिससे शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या होगा, लाइट को ट्रैप करके ATP और NADPH बनाना। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जो CO2 को प्लांट के अंदर इकट्ठा कर देंगी और जिससे शुगर बनेगी, विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। और शुगर के बाद स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। और जो ये हमने रिएक्शन पढ़ी हैं, ये मेम्ब्रेन सिस्टम की जो हमने रिएक्शन पढ़ी हैं ये लाइट पर डिपेंडेड है, तो इसलिए हम इनको लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कर रहा है, ATP और NADPH कब बनेंगे, जब मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। तो ATP और NADPH को बनाने के लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इनको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट पर डिपेंड होती हैं। The latter are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction ATP and NADPH। और जो दूसरी हमने रिएक्शन पढ़ी थी किसके अंदर, जो स्ट्रोमा के अंदर हो रही थी। स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा था, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही थी जो CO2 को इनकॉर्पोरेट करके शुगर बना रही थी या फिर स्टार्च बना रही थी। तो जो ये स्ट्रोमा वाली रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि जो लाइट के प्रोडक्ट्स हैं, लाइट के प्रोडक्ट कौन कौन से बने, ATP और NADPH, उन पर डिपेंड है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो ATP और इनडायरेक्टली अगर कहें तो लाइट पर डिपेंड है, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि ये लाइट पर डिपेंड है। डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होगी, डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा के अंदर होती हैं वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं होगी बल्कि लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। However, this should not be constituted to mean that they occur in darkness। तो इसलिए और ये भी है, ये इससे हम डार्क रिएक्शन से हम ये नहीं मान सकते कि ये डार्कनेस में होती है, और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, और ये भी नहीं मान सकते कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं होती। लाइट डिपेंडेंट होती हैं बल्कि इनडायरेक्टली होती हैं, लाइट पर ये इनडायरेक्टली डिपेंड होती हैं। अब हम ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का एक सेक्शन दिखाया गया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है और इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। इनर में ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड पाया जाता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर ये राइबोसोम्स दिखाई गई हैं इसके अंदर, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, ये होते हैं स्टार्च ग्रेनुअल्स। जो स्टार्च बनते हैं वो ग्रेनुअल के रूप में बनते हैं, और ये स्मॉल लिपिड के कुछ भाग भी पाए जाते हैं, ड्रॉपलेट पाई जाती हैं इसमें, और ये जो है स्ट्रोमा लैमेला दिखाए गए हैं जो दो ग्रेना को जोड़ने का काम करते हैं, एक ये ग्रेना और एक ये ग्रेना, इसको जो जोड़ेगा वो स्ट्रोमा लैमेला जोड़ेगी। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई गई हैं, इनको कहते हैं ग्रेना। ग्रेना सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की ये जो है डायग्राम है।